one question for you. Do you guys want to do your UG degree from Delhi University? If yes, then from 2022 onwards, Delhi University ने अपनी UG degree को 4 साल का कर दिया है, 4 years की degree हो गई है, जिसमें से you can exit anytime, be it in first year, second year, third year, or even you can complete till the fourth year. If you want to know more about this, then please to watch this video till the end. Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi, and today in this video we are going to discuss about the 4-year degree thingy done by Delhi University. So, हमारी National Education Policy NEP 2020 के ही चलते हमें ये चीज़ बताई गई थी कि क्योंकि students के लिए थोड़ी flexibility introduce करी जा रही है कि हमारे जो students हैं उनको flexibility मिलनी चाहिए, उनको holistic उनका development होना चाहिए, इस वजह से हम करने वाले हैं कुछ changes and हम अपनी 3 साल की degree को 4 साल की degree बना देने वाले हैं. And सिर्फ हम ये नहीं करने वाले हैं कि 3 साल की degree को 4 साल की degree बना दें, इसके अलावा we are going to offer multiple entry options and exit options as well. ये आया था हमारी NEP के 2020 में and finally Delhi University ने 2020 से यानी कि इसी साल से इस चीज़ को enable कर दिया यानी कि चालू कर दिया. सो बेसिकली अब से दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर डिग्री जो भी यूजी की डिग्री है वो 4 साल की हो सकती है, आप कर सकते हो. इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे. सो गाइस, आखिर यहाँ पे क्या सीन है, ये मल्टीपल एंट्री ऑप्शंस मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस क्या है? सो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया किसी भी यूजी कोर्स में यानी कि अपनी बैचलर्स डिग्री करने के लिए, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी कोर्स है उसको छोड़ सकती हूँ. यानी कि छोड़ सकती हूँ का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया. ठीक है, तो ये मैं कर सकती हूँ आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर एंड आफ्टर फोर्थ ईयर एज वेल. अब मैं किस टाइम पे छोड़ूंगी उसके बेसिस पे मुझे डिफरेंट चीजें यानी कि डिफरेंट पेपर मिलेगा. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द एग्जिट ऑप्शंस पहले, उसके बाद हम एंट्री ऑप्शंस पर भी आएंगे. एग्जिट ऑप्शंस, अगर मैंने अपनी डिग्री छोड़ी आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो इन दैट केस आई विल गेट अ यूजी सर्टिफिकेट इन माय फील्ड ऑफ स्टडी. जो भी मेरा फील्ड ऑफ स्टडी डिसिप्लिन होने वाला है उसमें मुझे यूजी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट्स इट. ठीक है, तो इसी पेपर की बारे में आई विज टॉकिंग. ठीक है, देन इफ आई लीव आफ्टर कंप्लीटिंग माय सेकंड ईयर देन आई विल गेट अ यूजी डिप्लोमा इन माय फील्ड ऑफ स्टडी और डिसिप्लिन. देन इफ आई लीव आफ्टर कंप्लीटिंग माय थर्ड ईयर यानी कि 6 सेमेस्टर्स के बाद मैं छोड़ देती हूँ, उस केस में आई विल गेट अ डिग्री, मुझे डिग्री मिल जाएगी जो कि मैं पहले भी मिलती ही थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मेरा कोई ऑनर्स कोर्स है तो मुझे मिलेगा बैचलर्स ऑफ जो भी मेरा फील्ड ऑफ स्टडी है ऑनर्स यानी कि बीएससी मैथ्स ऑनर्स फॉर एग्जांपल. ठीक है, एंड अगर मेरा कोई प्रोग्राम कोर्स है तो इन दैट केस आई विल गेट बैचलर्स ऑफ फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ स्टडी. सपोज दैट बीएससी जो नॉर्मल बीएससी प्रोग्राम होता है, बीकॉम प्रोग्राम होता है वैसा. ठीक है, एंड ये तो हो गया हमारे 3 साल तक जो कि पहले भी नॉर्मल था. सो चेंज कहाँ है, चेंज आया है हमारे फोर्थ ईयर में यानी कि 3 साल के बाद मैं एक और साल पढ़ सकती हूँ उसी डिग्री के अंदर. ठीक है, एंड उसमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें हमें एक्स्ट्रा मिलेगा प्लस रिसर्च यानी कि रिसर्च हमें एक्स्ट्रा मिलेगा हमारी डिग्री में. तो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेंशनड है, वो ये है कि अगर मैंने कोई ऑनर्स डिग्री करी उस केस में आई गेट बैचलर्स ऑफ जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है ऑनर्स प्लस यानी कि विद रिसर्च स्लैश अकेडमिक प्रोजेक्ट स्लैश एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, ये मिलेगा. सपोज बीएससी मैथ्स ऑनर्स प्लस रिसर्च, ये हो सकता है एक डिग्री. ठीक है, अगर मैंने ऑनर्स कोर्स नहीं किया था, मैंने कोई नॉर्मल कोर्स किया था, मतलब जैसे मैंने आपको बताया बीएससी प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम ऐसा कुछ किया, तो इन दैट केस मुझे मिलेगा बैचलर्स ऑफ फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ स्टडी ऑनर्स. तो जो मेरी नॉर्मल डिग्री थी अगर उसको मैं 4 साल में करती हूँ ना तो वो मेरी ऑनर्स हो जाएगी. 4 साल में करती हूँ मतलब ये नहीं कि मैं मतलब 4 साल में करती हूँ, अगर उसमें उसको मैं 4 ईयर्स तक परस्यू करती हूँ इन दैट केस. आई होप दैट की पॉइंट क्लियर है. सो ये तो हो गए हमारे सारे एग्जिट ऑप्शंस के किस तरीके से हम कब कब निकल सकते हैं, हमें क्या क्या मिलेगा उसके बेसिस पे. अब हम बात करते हैं निकलने का फायदा क्या है, तो उसी से हमारी चीज आती है विच इज एंट्री ऑप्शन. सपोज दैट फर्स्ट ईयर में मैंने लिया बीएससी मैथ्स ऑनर्स एंड मुझे नहीं अच्छा लगा, फिर कोई भी रीजन हो सकता है, मैं उससे एग्जिट कर लेती हूँ आफ्टर फर्स्ट ईयर. मुझे क्या मिलेगा, यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा कि मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स में यूजी सर्टिफिकेट लिया है. ठीक है, मुझे ये एक चीज़ मिल गई. इसके बाद अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ गैप ईयर लेने का मैं गैप ईयर ले सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ अपना यूनिवर्सिटी ही चेंज करने का मैं यूनिवर्सिटी चेंज कर सकती हूँ. एंड जो भी मुझे वो चीज़ मिली यानी कि यूजी सर्टिफिकेट मिला है वो उसके बेसिस पर ही मैं एडमिशन ले सकती हूँ सीधा सीधा सेकेंड ईयर में यानी कि नेक्स्ट पेडिस्टल पे मैं एडमिशन ले सकती हूँ एंड अपना करियर उससे आगे बढ़ा सकती हूँ. ये चीज़ पहले नहीं थी एंड इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आज हो जाने वाली है. मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर का एग्जाम्पल लेके बताया है लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी ये सिमिलर रहने वाला है. एंड ये जो मैं बार बार मैथ्स ऑनर्स का एग्जाम्पल साइड करती रहती हूँ इसको लेके मत बैठ जाना, ये सारी डिग्रीज के लिए एप्लीकेबल है, अगर ऑनर्स डिग्री है या फिर प्रोग्राम डिग्री है सिमिलर है.
अब गाइस यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बार बार मैं कंप्लीटिंग वर्ड मेंशन कर रही हूँ. कंप्लीटिंग का मतलब है कि कंप्लीटिंग योर क्रेडिट्स. एक रिक्वायरमेंट है क्रेडिट्स की. क्रेडिट्स को आप हम एक स्कोर की तरह मान सकते हैं, पॉइंट्स की तरह मान सकते हैं, एंड वो उतने नंबर ऑफ क्रेडिट्स हमें रिक्वायर्ड है. जैसे कि सपोज आज कोई हम फर्स्ट ईयर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में वी रिक्वायर 44 क्रेडिट्स. फर्स्ट ईयर में 44 क्रेडिट्स तो मुझे पूरे करने ही करने हैं, ठीक है. एंड इसके लिए ज़्यादा मतलब आपको नहीं सोचना है, ये पूरा आपका कोर्स के स्ट्रक्चर में मेंशन है. तो कैसे करने 44 क्रेडिट्स? फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर्स हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर. सो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे 22 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं एंड सेकंड सेमेस्टर में भी मुझे 22 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं. एंड इन क्रेडिट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें वेरियस कोर्सेज, मतलब उस कोर्स के अंदर वेरियस सब्जेक्ट्स या फिर कोर्सेज हमें लेने होंगे. सो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि कैसे क्रेडिट्स का सिस्टम चलने वाला है. सपोज दैट मैं एक ऑनर्स कोर्स लेने वाली हूँ, उसमें मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है. सबसे पहले मुझे तीन कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. मैथ्स ऑनर्स का एग्जांपल लेके बताती हूँ, चलो ठीक है. मैथ्स ऑनर्स में सबसे पहले मेरे को तीन कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, यानी कि तीन सब्जेक्ट सिर्फ मैथ्स के होंगे. सपोज एक एल्जेब्रा हो गया, एक कैलकुलस हो गया, एक रियल एनालिसिस हो गया, ऐसे करके, ठीक है. सेकेंड मुझे क्या चाहिए, एक जीई, एक जेनरिक इलेक्टिव पढ़ना होगा जो कि हटके कुछ भी हो सकता है. मैं मैथ्स की हूँ, जो भी मेरा कॉलेज ऑफर कर रहा है मैं ले सकती हूँ, बी एड फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी हो, ठीक है. थर्ड इज कि मुझे एक AECC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना पड़ेगा. एंड फोर्थ मुझे एक SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना होगा. अब ये AECC तक तो हमारा पहले भी था, लेकिन ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स पहले हमारा सेकेंड ईयर में आता था, अब इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया है इसको टू द फर्स्ट ईयर. एंड इसके अलावा एक और एडिशन हुआ है, विच इज 1 VAC वैल्यू एडिशन कोर्स, ये भी हमें पढ़ना होगा. तो कैसे क्रेडिट्स डिवाइडेड हैं? तीन कोर्स सब्जेक्ट्स जो हैं वो 4 ईच के हैं, उसके अलावा जी 4 क्रेडिट्स का है, देन AECC 2 क्रेडिट्स, SEC 2 क्रेडिट्स एंड VAC 2 क्रेडिट्स. तो इस हिसाब से टोटल हमारे मिला के हो जाते हैं 22 क्रेडिट्स. लेकिन सीन क्या है यहाँ पे, देखो मेरे टाइम भी क्या था, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ना सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन क्रेडिट्स तब भी 22 ही थे. अब आपके टाइम पे क्या है, आपके टाइम पे 7 सब्जेक्ट्स हैं और क्रेडिट्स भी 22 ही हैं. तो बस ये ना क्रेडिट्स में थोड़ा बहुत चेंज था, क्योंकि मेरे कोर सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा क्रेडिट्स थे पहले वाले सिस्टम में, जो हमारा पहला फ्रेमवर्क था. लेकिन अभी अपडेटेड फ्रेमवर्क यही है. तो आपको एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, एंड ये थोड़ा डिपेंड करता है, तो अपने हिसाब से ना देख लेना. एक PDF, बहुत अच्छी PDF दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाली है, जिसमें ये सारा कोर स्ट्रक्चर मेंशनड है अपने स्पेसिफिक कोर्स के लिए, बीट ऑनर्स और प्रोग्राम. तो वहाँ पर जाके आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो. गाइस इस PDF को मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको पहले तीन ईयर्स में क्या पढ़ना है, फोर्थ ईयर में आपको स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, ऑनर्स के लिए भी है, प्रोग्राम के लिए भी है. एंड यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी हर कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती ही होती है. सबसे पहले हमारे पास होता है कोर्स का स्ट्रक्चर, यानी कि क्या मुझे चॉइसेस दी जा रही है एंड क्या मेरे टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. सेकेंडली होता है कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनका नाम सब्जेक्ट्स का. एंड थर्डली हमारे पास होता है उनका सिलेबस. तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले ही देख लो तो काफ़ी अच्छा रहता है, एंड बाद में भी देखो एडमिशन लेने के बाद में, तो भी इट वर्क्स. So yes guys, this was all about today's video. I hope that you really really like this video. If you did like the video, please do hit the like button and channel ko subscribe ab to kar do yaar. I hope you know ki main Delhi University pe kaafi sari videos banati rehti hu, and sirf admission related nahi, kaafi sari videos mere experience related bhi hoti hain. To please aap unko jaake dekh sakte ho, ek baar check out kar sakte ho sari playlist jaakar ki ha kya kya videos hamare kaam ki hai. And yeah, you guys can reach out to me via various ways. Sabse pehle to you can comment on any of my YouTube videos. You can connect with me over Instagram. Ya fir you can obviously go for the one-on-one mentorship call. Yani ki personal guidance. Agar kisi ko bhi chahiye to in that case form ka link description mein jaake fill kar do. And yeah, I'll see you in the next video. Till then, keep watching my other videos. Bye bye.